एक्ट्रेस नरगिस फाकरे आजकल फुकेट में स्पेशल मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रही हैं। सोर्सेज का कहना है कि नरगिस अपनी एक अपकमिंग फिल्म के लिए ये तैयारी कर रही है, लेकिन अब तक इस फिल्म का नाम नरगिस ने रिवील नहीं किया है। सोर्सेज की माने तो अनुराग काश्यप ने फिल्म बॉम्बे वेलवेट के बाद अपनी एक और फिल्म रिटर्न गिफ्ट के लिए एक्ट्रेस रवीना टंडन को अप्रोच किया था, लेकिन कहा जा रहा है कि अनुराग की इस फिल्म के ऑफर को रवीना ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। हम आपको बता दें, इससे पहले खबर आई थी कि बॉम्बे वेलवेट में रवीना टंडन के रोल को चॉप कर दिया गया है। एक्टर इमरान खान का कहना है कि एकता कपूर से उनका पैचअप अचानक हुआ। इमरान खान का कहना है कि रिसेंटली एक पार्टी में एकता के साथ उनकी मुलाकात अचानक हो गई, जहां इन दोनों सेलिब्रिटीज ने आपस में बात करके अपनी पुरानी डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कर लिया और अब वो एकता की फिल्म मिलन टॉकीज करने जा रही हैं। खबरों की माने तो फिल्म हाउसफुल 3 की कास्ट को फाइनली फाइनलाइज कर लिया गया है। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में अक्षय, रितेश और अभिषेक बच्चन के साथ एली अवराम, एमी जैक्सन और जैकलीन फर्नांडिस नजर आएंगी। यूएस से स्क्रिप्ट राइटिंग क्लासेस अटेंड करने के बाद अब कंगना रनौत अप्रैल महीने में एक एडिटिंग कोर्स में खुद को एनरोल करवा रही हैं। कंगना का कहना है कि वो फिल्म मेकिंग के हर एक पहलू को सीखना चाहती हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया है। लव जिहाद कैंपेन में अपनी पिक्चर यूज किए जाने से करीना कपूर नाराज है। पहली बार इस पूरे मामले पर बात करते हुए करीना ने कहा है कि वो इस तरह के इश्यूज को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं देती। यही वजह है कि अब तक इस मामले में उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। खबरों की माने तो एक्टर इरफान को एक हॉलीवुड फिल्म इन्फर्नो के लिए अप्रोच किया गया है। इरफान इस फिल्म में हॉलीवुड स्टार टॉम हैंक्स के साथ नजर आएंगे। इरफान की ये फिल्म 2016 के मिड में रिलीज होगी। फिल्म ब्रदर्स में अपने सॉन्ग के लिए करीना कपूर ने लगभग अपना वजन 8 किलो तक कम कर लिया है। करीना का कहना है कि फिल्म के इस सॉन्ग में उन्हें ग्लैमरस दिखना था। यही वजह है कि उन्होंने स्पेशल तरह की एक्सरसाइज रूटीन फॉलो की है।